दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मैथ्यू आर्नल्ड की एक पोयम है, एक सोनेट है, जिसका नाम है शेक्सपियर। और इस वीडियो में हम इस पोयम का क्रिटिकल एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इस पोयम के बैकग्राउंड की बात करेंगे, इसकी थीम की बात करेंगे, पोयम को एनालाइज करेंगे, इसकी सेटिंग के बारे में बात करेंगे। मैथ्यू आर्नल्ड को एक महान पोएट के बजाय एक महान क्रिटिक समझा जाता है। रोमांटिक कवियों की तरह वो एक सिंगर नहीं था। उसकी कविताओं की मेन थीम होती है ह्यूमन लाइफ की मिजरीज, उनकी डिफिकल्टीज और सोसाइटी में फैली बुराइयां। वो समाज के लोगों के दुख और दर्द को अपनी कविताओं के थ्रू एक्सप्रेस करता है। नो डाउट मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन एज के एक महान राइटर माने जाते हैं। और जो आज की पोयम है शेक्सपियर, ये आर्नल्ड का शेक्सपियर को श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है। और शेक्सपियर के बारे में तो हम जानते ही हैं कि शेक्सपियर जो है वो महान राइटर हुआ है, ड्रामाटिस्ट हुआ है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। और शेक्सपियर की इन्हीं क्वालिटी से इम्प्रेस होकर के मैथ्यू आर्नल्ड ने ये पोयम उसके सम्मान में लिखी है। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस पोयम। फर्स्ट स्टैंजा मीन्स मैथ्यू आर्नल्ड पहले ही लाइन से शेक्सपियर को दूसरे राइटर से अलग रखता है, यानी कि उसे खास ओहदा देता है, खास प्लेस देता है शेक्सपियर को। और पोएट शेक्सपियर को दूसरे राइटर से इस तरह अलग करता है कि वो कहता है कि जब हम किसी राइटर का कोई क्रिएशन पढ़ते हैं, उसकी आर्ट देखते हैं, तो हमें वो आसानी से समझ आ जाती है। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन मीन्स हमारे जो क्वेश्चन उठते हैं दूसरे राइटर्स का क्रिएशन देख करके, वो हमें जल्दी ही समझ आते हैं, यानी कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर जल्दी ही मिल जाता है कि वो राइटर वो क्या सोच रहा है अपनी उस क्रिएशन में, क्या उसके थॉट्स हैं, वो बहुत ही आसान है उन्हें समझना। लेकिन जब हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, वी आस्क एंड आस्क, हम समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दाउ स्माइलेस्ट एंड आउट स्टिल, लेकिन हमें तुम्हारे क्रिएशन की अंदर की थॉट्स, उसकी डीप तब भी समझ नहीं आती। मीन्स तुम्हारा क्रिएशन खूबसूरती की तरह बना रहता है, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। आउट टॉपिंग नॉलेज मीन्स तुम्हारी जो नॉलेज है वो टॉप को भी पार कर देती है, यानी कि जो नॉलेज की जो चरम सीमा होती है उसको भी पार कर देती है। फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल हू टू द स्टार्स अनक्राउन हिज मैजेस्टी, यानी कि तुम्हारी जो नॉलेज है सिर्फ स्टार समझ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज भी बहुत ऊंचाई पर है और स्टार भी बहुत ही ऊंचाई पर है। आगे कहता है प्लांटिंग हिज स्टेडफास्ट फूड स्टेप इन द सी मेकिंग द हेवन ऑफ हेवन हिज ड्वेलिंग प्लेस, मीन्स तुमने यानी शेक्सपियर ने अपने पैर समुद्र की गहराई में प्लांट कर दिए हैं। और शेक्सपियर का कद इतना ऊंचा है कि वो हेवन तक पहुंच रहा है, यानी कि हेवन से भी जो ऊपर हेवन है वहां तक जा रहा है। यहाँ पर पोएट ने हाइपरबोल का यूज किया है, जो शेक्सपियर की ऊंचाई इस तरह दिखाता है कि समुद्र की गहराई के नीचे उसके पैर होने के बावजूद उसका जो कद है वो वहां तक पहुंचता है जहां तक हेवन है, यानी कि उसकी नॉलेज इतनी ज्यादा है। स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ द बेस टू द फॉयल सर्चिंग ऑफ मोरालिटी, यहाँ पर मोरालिटी हम है, यानी कि हमें ही मोरालिटी कहा गया है। और जब हम शेक्सपियर की डीप थॉट को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी डीप जो नॉलेज है उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ उसके पैरों तक ही पहुंच पाते हैं, जिसे क्लाउडी बॉर्डर कहा गया है, यानी कि बेस तक ही पहुंच पाते हैं उसकी नॉलेज के। सेकंड पार्ट ऑफ दिस सोनेट, एंड दाउ हू डिडेस्ट द स्टार्स एंड सन बीम्स नो, और तुम मीन्स एंड दाउ जो नेचर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, मीन्स स्टार्स एंड सन बीम्स का मतलब है नेचर को, और नेचर को अगर जानते थे तो इंसानी नेचर को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैन, सेल्फ ऑनर, सेल्फ सिक्योर, और तुम सेल्फ स्कूल मीन्स सभी जानते हैं कि शेक्सपियर जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया। एंड सेल्फ स्कैन मीन्स तुम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते थे, तुम्हारी नॉलेज क्या है तुम वो अच्छे से जानते थे। एंड सेल्फ ऑनर, और शेक्सपियर अपने ऑनर के प्रति बहुत ही कॉन्शियस थे, और दुनिया में उन्होंने अपना खुद का ऑनर अपनी आर्ट से अपने आप ही बनाया। एंड सेल्फ सिक्योर मीन्स तुमने अपना प्लेस सिक्योर किया है पूरी दुनिया में, मीन्स तुमने तुम्हारे वर्क के माध्यम से अपने आप को इतना सिक्योर कर लिया कि तुम्हारी ऊंचाई को कोई छू भी नहीं सकता। डिड स्ट्रीट ऑन अर्थ अनगेस्ट एट बेटर सो, यानी कि डिडेस्ट मीन्स तुम इतने महान होने के बावजूद भी इस धरती पर रहे और
उन सामान्य लोगों के साथ में मिलकर रहे, उनके साथ मिलकर चले, और ये अच्छा ही था, एंड बेटर सो मीन्स, और तुमने ये अच्छा ही किया। ऑल पेन्स द इमोर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, और तुमने सभी परेशानियों को सह करके अपने आप को अमर बना लिया। मीन्स आप इतने साधारण बनकर रहे उन लोगों के बीच में, आपकी महानता को वो लोग समझ भी नहीं पाए, आपके जो रिलेटिव थे, फ्रेंड थे, वो आपको जान भी नहीं पाए कि आप कितने महान हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी तरह थे, और सारी परेशानियों के बावजूद और सारी मुश्किलों का सामना करते हुए तुमने अपने आप को अमर बना लिया। ऑल वीकनेस विच एम्पायर्स, ऑल ग्रीफ्स विच बो, फाइंड देयर सोल स्पीच इन द विक्टोरियस प्रो। मैं जैसे हमने पहले बात की थी कि शेक्सपियर जो थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से ह्यूमन नेचर को जानते थे, तो इस तरह वो ह्यूमन की सारी कमजोरियाँ, उनकी क्या क्या गलतियाँ हैं, उन सबको जानते थे, और वैसा ही उन्होंने अपनी ट्रेजेडीज में जो करेक्टर लिखे हैं उनकी कुछ ना कुछ कमजोरी है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं जो बहुत ही नेचुरल हैं, लाइफ लाइक हैं, और इन कमजोरी और इनकी गलती के चलते वो अपना खुद का पतन कर लेते हैं। मीन्स उन्हीं गलतियों के चलते उन्हें दुखी होना पड़ता है और झुकना पड़ता है। बोमिस झुकना, कहने का मतलब यह है कि शेक्सपियर ह्यूमन नेचर को इतना अच्छा जानते थे कि उन्होंने जो अपने ट्रेजेडीज में करेक्टर यूज किए हैं वो बहुत ही लाइफ लाइक हैं, और उन करेक्टर्स की स्पीच में हमें वो ज्ञान मिलता है, हमें वो विजडम मिलती है। यहाँ पे तो ब्रो वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब है बोहे, जो हमारे आँख के ऊपर होती हैं, तो वो एज ए सिंबल है विजडम का, तो हमें उनकी स्पीच में वो नॉलेज प्राप्त होती है, वो विजडम प्राप्त होती है, और उनके वर्क को एज ए विक्ट्री की तरह देखा जा सकता है, और विक्ट्री ह्यूमन काइंड की हर एक दुख के ऊपर, हर एक सफरिंग के ऊपर, हर एक पेन के ऊपर। अगर हम इस पोएम की राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है, हर एक स्टैंजा की राइम स्कीम दूसरे स्टैंजा की राइम स्कीम से बिल्कुल अलग है। इसमें रिपीटेशन जैसे वी आस्क एंड आस्क, और एलिट्रेशन जैसे सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैन, सेल्फ ऑनर, सेल्फ सिक्योर। एलिट्रेशन में एक वर्ड की रिपीटेशन होती है, जैसे इसमें एस क्यू ई, सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैन, सेल्फ ऑनर, सेल्फ सिक्योर, और इसमें मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। ये पोयम मैथ्यू आर्नोल्ड ने शेक्सपियर के ऑनर में लिखी है, शेक्सपियर को एक ट्रिब्यूट है, और मैथ्यू आर्नोल्ड शेक्सपियर को इस तरह से अप्रिशिएट करता है, वो कहता है कि शेक्सपियर की जो महानता है वो अनक्वेश्चनेबल है, और शेक्सपियर अपने टाइम के ही नहीं बल्कि इंग्लिश हिस्ट्री में यानी कि पूरे संसार में महान राइटर हैं, हर एक एज में, हर एक टाइम में। और ये एक इटालियन सोनेट है। अब इटालियन सोनेट कैसी होती हैं? इटालियन सोनेट में दो पार्ट होते हैं, ऑक्टिव एंड सेस्टेड। ऑक्टिव में 8 लाइन होती हैं यानी कि 2 स्टैंजास होते हैं, और सेस्टेड में 6 लाइन होती हैं, और आखिर में हम कह सकते हैं कि ये अच्छी पोएम है जिसमें सारी चीज़ें बेहतर हैं। इटालियन सोनेट है जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रेसिव है।